फिल्म स्पेशल 26 तो आप लोगों ने देखी ही होगी। इसी तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेड मारने वाली एक गैंग का पर्दाफाश कर गिरोह के सरगना और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने। आइए जानते हैं कि कैसे यह आरोपी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर छापामार कार्रवाई कर धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। इस गैंग का सरगना और मास्टरमाइंड देवेंद्र डाबर 12वीं पास है और इस 12वीं पास आरोपी ने पिछले 5-6 सालों में इनकम टैक्स विभाग की फर्जी टीम तैयार कर कई जगह छापामार कार्रवाई कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। गिरोह का सरगना देवेंद्र डाबर चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आयकर विभाग इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CBDT का अधिकारी बताता था। इसने करीब 80 युवाओं से आयकर विभाग की फर्जी नौकरी के नाम पर करीब 40 लाख रुपए के लगभग ठगी किए और फर्जी नौकरी के नाम पर युवाओं को प्रशिक्षण और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती थी। इसके बाद इन युवाओं को सीनियर फील्ड ऑफिसर, सर्वेयर, वरिष्ठ जांच अधिकारी, भृत्य आदि कई पदों पर नौकरी पर रखा जाता है। इस 12वीं पास ठग ने इंदौर के सिलिकॉन सिटी के एक मकान में लगभग एक वर्ष तक आयकर विभाग के नाम से ऑफिस चलाया। इस दौरान गिरोह के सदस्यों द्वारा युवाओं को इनकम टैक्स के रेट की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। गिरोह के एक सदस्य भारत सरकार के मोनो वाली खाकी वर्दी भी पहनता था। साथ ही रेट के दौरान वाहन पर भारत सरकार दिखा नेम प्लेट लगी रहती थी। साथ ही एक गनमैन भी रहता था। इन्होंने लगभग 35 बड़े व्यापारियों की आयकर प्रोफाइल बनाकर रखी थी। आने वाले दिनों में यह बड़ी दबिश देने की तैयारी में थे। क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के 5 सदस्य देवेंद्र डाबर, सुनील मंडलोई, रवि सोलंकी, दुर्गेश गहलोत, सतीश गावड़ को गिरफ्तार किया। इनके पास से ऑफिस में संधारित किया गया रिकॉर्ड, फाइल रजिस्टर, लैपटॉप, प्रिंटर, वाहन नेम प्लेट, सील, सिक्के आदि बरामद किए। फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच आरोपियों से उनकी टीम और टीम मेंबर की भूमिका के बारे में, साथ ही गिरोह के द्वारा की गई ठगी के बारे में पूछताछ कर रही है। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। अलग अलग एरियाज के इसमें व्यापारियों के, छोटे व्यवसायियों के उसमें नाम हैं और इनके जो तथाकथित खबरी जो लड़के हैं उनके द्वारा उनका एक प्राइमरी एक तरीके का जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है वो करके उसकी रिपोर्ट उसमें लगी हुई है। ये जो पूरे एरियाज के नाम बताए हैं जो इनके फील्ड हैं जहाँ ऑपरेट करते थे, तो उन्होंने वहाँ की प्राइमरीली तो इनकी इन्फॉर्मेशन जुटाई है। अभी रेट की बात इन्होंने कबूल नहीं की है, लेकिन इसमें संभवतः है कि उससे जुड़े हुए तथ्य सामने आ सकते हैं। नहीं, उनके नाम आए हैं, जो 30-40 लोगों के नाम है जो इंटीरियर क्षेत्र के। इनकम टैक्स अधिकारियों से मुलाकात हुई थी कि ऑफिस में लेके गए थे, ऐसी कुछ बात आई क्या सामने? नहीं, अभी फिलहाल हम अभी आयकर विभाग में इनको नहीं ले जाया गया। इनफैक्ट आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इनके संबंध में संभावित कोई जानकारी मिली थी तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन भी वेरिफिकेशन के लिए हमको फॉरवर्ड की। इसके दिमाग में आयकर अधिकारी बनने का ही क्यों आया? क्या इसने कुछ, इसका ये कहना, इसने पेपर में एक ऐड पढ़ा कि उसमें आयकर विभाग को अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना दी जाए तो जो भी उसमें आयकर का कहना चाहिए कि रेट के जो प्रोसीड्स होते हैं उसके 10% जो है वो दिया जा सकता है। तो इसका कहना, इसने वो प्राइवेट लेवल पे वो सेटअप बनाने के का ख्याल इसका इनिशियल था कि हम एक सेटअप बनाएंगे जहां हम इससे जुड़ी हुई, आयकर से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हम आयकर डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, और इसने उस लिहाज से शुरू किया। परंतु इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई है उसको पूरा का पूरा हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसने कई ऐसे लड़कों को बेवकूफ़ बनाया है नौकरी देने के नाम पर, और जिस तरह के नियुक्ति पत्र और दस्तावेज मिले हैं उससे ये बात स्पष्टतः समझ में आ रही है कि लोग इसमें लड़कों को, इन्होंने जो बेरोजगार युवा हैं उनको टारगेट करके बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, धोखाधड़ी की है, इसलिए ये और उनसे एक बड़ी राशि की वसूली की है। तो इसलिए इसका जो ये कहना है कि मैंने इस आधार पर शुरू किया था, ये पूरी तरह से इसको कंफर्म नहीं माना जा सकता। मैडम, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अपना ये जो बदनाम इसने अख्तियार कर रखा था और साथ में जो इसके जो सबॉर्डिनेट्स एक तरह से जो इसने एम्प्लॉय कर रखे थे उनको सीनियर फील्ड ऑफिसर, खबरी, सर्वेयर, भृत्य, वरिष्ठ जांच अधिकारी इत्यादि पदनाम से इसने नियुक्त कर रखा था। सुनील मंडलोई जो इसका दूसरा आरोपी है, ये इसका दोस्त है, ये भी 12वीं तक पढ़ा हुआ है। BE की पढ़ाई इसने प्रारंभ की थी परंतु पूर्ण नहीं की है।
ये आयकर विभाग में सीनियर फील्ड ऑफिसर के पदनाम से इस पूरे सिस्टम में ऑपरेट कर रहा था। ये एक ही मुख्य पद होता था जिसमें ये अन्य जो लड़कों को नौकरी देते थे उससे लाखों रुपए ये मुख्यतः ये लेता था और इसके जो सरगना है, गिरोह का सरगना है, उसको सौंपता था। तीसरा जो अभियुक्त इसमें पकड़ा गया है रवि सोलंकी, ये सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पदनाम से इस पूरे फर्जीवाड़ा में ऑपरेट कर रहा था और जांचकर्ता अधिकारी या सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर पदस्थ होकर के ये ऑफिस की फाइलों पर हस्ताक्षर करता था। इसमें बड़ी संख्या में आयकर विभाग की कार्यप्रणाली को बताते हुए इन्होंने पूरा फाइलिंग सिस्टम मेंटेन कर रखा था, आवक जावक डाक का सिस्टम मेंटेन कर रखा था, ड्यूटी रजिस्टर मेंटेन कर रखा था और उन सब के सहारे ये जो लोग जो लड़के थे जिनको भर्ती कराते थे उनको विश्वास में ये लेते थे। चौथा इसमें आरोपी जो दुर्गेश गहलोत है, ये देवेंद्र डाबर के सरगना जो था उसके पीए के रूप में, सहायक के रूप में ये काम कर रहा था और ये सभी जो लड़के थे उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखता था और एक तरह से करीबी, सबसे करीबी व्यक्ति है, जो मुख्य सरगना है उसका सबसे करीबी व्यक्ति था। सतीश गाबड़ इसका देवेंद्र डाबर का चालक भी था और पर्सनल गनमैन की हैसियत से भी काम कर रहा था। ये राइफल लेकर के अपने साथ में घूमता था और प्रति माह मासिक वेतन भी इसको बतौर ड्राइवर प्रतिमा मासिक वेतन भी मिलता था। इसमें टाटा सफारी MP09CF9700 ये गाड़ी इसमें जब्त हुई है, इस पर ये फर्जी नेम प्लेट भारत सरकार का लिख करके उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त इस प्रकार की फर्जी नंबर प्लेट ये लगा करके चलते थे और आरोपी गणों से स्वयं की आईडी, अन्य जो लड़के इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनकी, अन्य जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं उनकी आईडी और जिन लड़कों को इन्होंने रिक्रूट किया उनकी आईडी, सील सिक्के, नियुक्ति पत्र, आदेश पत्र, रजिस्टर, लैपटॉप, प्रिंटर, हस्ताक्षरशुदा फाइलें, मोबाइल फ़ोन, आयकर विभाग की वाहन प्लेट, वाहन और एयरगन, साथ ही साक्षियों के द्वारा जमा की गई वर्दी, बैच, नेम प्लेट, भारत सरकार की वर्दी में बेल्ट और बैच के अभी तक फिलहाल जब्त किए गए हैं। इनके बैंक खातों और संपत्ति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग को भी इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी जा रही है और जो इस लिंक में जुड़े हुए जो अन्य लड़के हैं जो इनके धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं उनके संबंध में वेरिफिकेशन किया जा रहा है।